चलिए अपने एक और स्टूडेंट से मिलते हैं, नाम है प्रफुल गुप्ता, जिनकी ऑल इंडिया 73 रैंक है और जो कि दिल्ली से हैं, और प्रफुल ने फाइनल ईयर बीएससी के साथ ये रैंक अचीव की है। तो सबसे पहले प्रफुल, आपको इस रैंक के लिए बहुत सारी बधाई। सर थैंक यू। सर सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा माता रानी का इसमें बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा पर्सन हूँ जो भगवान के अंदर बहुत बिलीव करता हूँ। उसके बाद में सर पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया, मम्मा पापा ने कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट रखा। उसके बाद सर आपको सर बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि मैं इम्पिटस गुरुकुल का मैजिकल सीरीज का स्टूडेंट हूँ और साथ में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। तो सर आपको तो बहुत सारा थैंक यू, और इम्पिटस गुरुकुल के सारी टीचिंग स्टाफ ने बहुत अच्छा मतलब साथ दिया था एंड तक। थैंक यू प्रफुल। देखो सबसे खास बात है कि मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ गॉड को, और गॉड पे बिलीव हमेशा रखना चाहिए, और वो हमारे अंदर होता है, हमारा एक बिलीव सिस्टम हमेशा काम करता है। मैं आपको बोलूंगा आप ऐसे ही माता रानी की आपके ऊपर कृपा भी बने रहे और ऐसे ही बिलीव रखें। तो प्रफुल देखो, आपने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की, और स्पेशली आप दिल्ली से पढ़े हुए हैं तो फाइनल ईयर का भी प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं, और उसके साथ आपने ऑनलाइन पढ़ते हुए इतनी अच्छी रैंक अचीव की। तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो सक्सेस जर्नी है वो जरूर बताएं, और दोनों का मैनेजमेंट किस ढंग से आपने किया वो भी बताएं। हाँ जी सर, सर मैं इसको पूरी डिटेल में बताता हूँ। मैंने अपना अगस्त 2020 से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी निम सेट की, तो पहले तो मेरे को एग्जाम का पता था। और इसके अंदर मेरा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मैंने माइंड के अंदर बहुत क्लियर रखा था कि मेरे को प्लेसमेंट के अंदर नहीं बैठना। मतलब बच्चों का काफी ऐसा रहता था फाइनल ईयर में कि वो ये सोचते थे कि हम फाइनल ईयर के साथ में प्लेसमेंट के लिए भी बैठेंगे। तो मेरा माइंडसेट एकदम क्लियर था कि मेरे को एग्जाम के लिए अपना बस प्रिपरेशन करनी है और एमसी परस्यू करनी है पहले, ये मेरा बहुत क्लियर था माइंड के अंदर। तो मैं मतलब अपने जूनियर्स को एक ये सजेशन जरूर देना चाहूंगा कि वो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार डाइवर्ट हो जाते हैं। मतलब मेरे साथ के काफी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने दो प्लेटफॉर्म के अंदर अपना 100% दिया था कि वो प्लेसमेंट के लिए भी बैठे थे और एग्जाम के लिए भी बैठे थे, लेकिन ये है कि हम दो नाव के अंदर करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाता कभी भी। तो मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर था कि मेरे को एक तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो एक उस चीज ने मेरे को बहुत फायदा दिया। ऊपर से सर एक मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि मई 2023 को हमारी पहली डेट आई थी निमसेट की, जो हमारी पोस्टपोन हो गई थी, तब मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम भी था। तो अगर उस टाइम पे एग्जाम ये हो जाता तो शायद मैं इतना अच्छा रिजल्ट ना दे पाता, क्योंकि मेरा एग्जाम का भी प्रेशर था उस टाइम पे, तो एंट्रेंस का इतना नहीं हो पाता। तो एक चीज वो लक फैक्टर है या पता नहीं क्या है कि ये माता रानी की कृपा है। हाँ जी सर, ये माता रानी की कृपा है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। और फिर उसके बाद में आपने 1 month स्ट्रेटेजी बताई थी हमें यूट्यूब के ऊपर, वो सेशन मैंने देखा था बहुत अच्छे से। तो मेरा पूरा क्लियर था कि मेरे को 1 month का टाइम मिल गया, उसे मैंने एकदम अच्छे से यूटिलाइज कर लिया अपना, और एंड के अंदर उसका मेरे को रिजल्ट मिल गया, मतलब जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करे थे। और एक चीज सर ये है कि आपका जैसे सेशन होता था तो मैं पेन पेपर कॉपी लेके बैठता था अपनी पूरी, और मतलब एक ही क्वेश्चन सॉल्व करता था। जैसे अगर मेरे को आंसर रटा भी होता था या याद भी होता था तो मैं उसे एकदम मार्क नहीं करता था, मैं क्या करता था उसे पहले पूरा सॉल्व करता था, अपनी टाइम लिमिट देखता था, उसको मैनेज करता था, उसके बाद में आंसर करता था, अगर लर्न भी होता था या याद भी होता था। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा था लाइव चैट में रिप्लाई में कि बच्चे एकदम तुरंत आंसर कर देते थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता था कि कहीं मेरे को ही नहीं आ रहा या फिर ऐसा क्या है। तो फिर उसके बाद में पता चला कि हाँ वो चीज बहुत यूजफुल रही, क्योंकि मैंने चीजों को मतलब रटा नहीं, ज्यादा लर्न नहीं करा उस टाइम पे, पेपर लेके प्रैक्टिस करता था ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल सही, कई सारी अच्छी बातें बताई प्रफुल्ल आपने। एक तो आप क्वेश्चन जब मैं करवाता था आप उसे दोबारा सॉल्व करते थे, और दूसरा कई बार देखो कई चीजें अपॉर्चुनिटी बन के आती है। कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन सेटबैक हुआ, डिस्टर्ब हो गए, पढ़ाई नहीं करी, पर कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन, एग्जाम पोस्टपोन एक लॉटरी जैसा हो जाता, जिसे बोलते हैं लक फैक्टर। तो आप किस चीज को कैसे अपॉर्चुनिटी लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक बहुत अच्छी बात बोली, कई बच्चे ये मेरा आपका अपना एक्सपीरियंस है, मेरा भी, कई बच्चे फाइनल ईयर में सोचते हैं प्लेसमेंट तो ले लें जबकि उन्हें जाना नहीं होता, पर वो इस प्लेसमेंट के चक्कर में अपना आगे का पीजी का कोर्स को कहीं ना कहीं सेक्रीफाई करते हैं। आपका ये बिल्कुल क्लियर था कि मुझे प्लेसमेंट में नहीं भेजना बैठना, क्योंकि आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में तो कॉमनली कंपनियां आती हैं और ग्रेजुएट को लेती हैं, पर कंसेप्ट क्लियर था इसलिए आपने उधर उस डायरेक्शन को सोचा नहीं। एक तो वो टाइम आपका सेव हुआ, और फिर आपका फोकस क्लियर था कि नहीं मुझे तो अच्छा पीजी करके ही लेना है। और देखो इन सब का ही रिजल्ट है कि आपकी ऑल इंडिया 73 रैंक है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा आप क्या कहना चाहोगे अपने जूनियर्स को, क्या गोल्डन वर्ड है आपके? सर ऑनलाइन प्रॉब्लम में बस मैं यही बताना चाहूंगा कि जैसे कई बच्चे सोचते हैं कि ऑनलाइन में प्रॉब्लम बहुत आती है, मतलब हम मैनेज नहीं कर पाते, ऑफलाइन अगर होता, मतलब ऐसा मैंने काफी सुना था कि बच्चे ऐसे कहते हैं कि ऑनलाइन के अंदर उन्हें बहुत प्रॉब्लम आई। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये जरूर शेयर करना चाहूंगा कि मेरे को ऑनलाइन बहुत यूजफुल लगा वो ऐसे, क्योंकि सर ऑनलाइन के अंदर एक तो हमारा टाइम बचता है, मतलब हम वहीं पर अपना लैपटॉप या फोन से किसी से भी हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्लास ले लेते हैं, उसके बाद में क्लास हमारी ओवर होती है, 5-10 मिनट्स का हमने ब्रेक लिया, कुछ खाया पिया, उसके बाद में दोबारा अपना पढ़ने बैठ सकते
सकते हैं, तो हमारे ट्रेवल का एक तो वो बचता है, मतलब टाइम बचता है हमारा, तो मतलब उसके अंदर इतना वेस्ट नहीं होता टाइम। दूसरा सर, ऑनलाइन के अंदर हमने मतलब ऑफलाइन के अंदर हमारी दो चीज हम बहुत वो करते थे, एक तो हमारे सामने टीचर होता था, फेस टू फेस हमारे होता था, वो चीज हमने ऑनलाइन में मिस करते थे, और एक अपने फ्रेंड्स को कलीग्स को कि हमारे कोई साथ में होता, हेल्प होती। लेकिन सर मेरे साथ में क्या था कि मैं आपके लेक्चर सुनता तो बहुत मोटिवेटिंग रहते थे, मतलब ये तो मैं दिल से कहना चाहूंगा कि वो इतने मोटिवेटिंग रहे हैं मेरे लिए, मतलब मेरे को कभी भी कॉन्फिडेंस मेरा लो नहीं हुआ, तो टीचर की तो मेरे को कभी कमी महसूस हुई नहीं कि ऑनलाइन के अंदर मेरे साथ में नहीं है, क्योंकि मैं बहुत इंटरेक्टिव रहता था। मतलब ऑनलाइन के अंदर भी आपने ऐसा कहा था ना कि मतलब बस वीडियो देखो मत, कि वीडियो को देखा स्किप कर दिया आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं, साथ में पूरा प्रॉपर अपना कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, साथ में सॉल्व करो, आपको बिल्कुल ऑनलाइन वाली फील नहीं आएगी। और दूसरा सर, फ्रेंड सर्कल मेरा कोई इतना बड़ा नहीं है, केवल एक ही फ्रेंड है जिसके साथ में अपने डाउट वगैरह क्लियर करता था, पेपर वगैरह मॉक एनालिसिस टाइम पे सॉल्व करता था, तो उस फ्रेंड को भी बहुत सारा थैंक यू, उसने भी साथ साथ में बहुत सपोर्ट करा, एंड तक मोटिवेट करता था, बहुत मतलब वो करता था, सपोर्ट करता था, बस यही है सर। बिल्कुल सही बात बोले प्रफुल्ल, और इम्पीटस गुरुकुल ने ये कंसेप्ट ही चेंज कर दिया। जब पहले जो आप बोल रहे हो ना, पहले एक बच्चे के मन में था कि हम जब तक कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, ड्रॉप नहीं लेंगे, जब तक नहीं होगा। आज इम्पीटस गुरुकुल का रिजल्ट तो अच्छा है ही, पर फ्रेशर्स फाइनल ईयर के बच्चों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, ऑनलाइन घर पे रहते हुए किया, क्योंकि बिल्कुल सही है, ऑफलाइन के अलग चैलेंजेस हैं, आप घर से बाहर निकलते हो, हॉस्टल का खाना, फिर क्लास आना जाना, घर पे रह के कई सारे प्लस पॉइंट भी होते हैं। बस ऑनलाइन में एक ही चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, जो आपने रखा भी। और मैं हर बच्चे से कहता हूं, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो तो घर पे पढ़ो, नहीं हो तो भोपाल क्लासरूम में आ जाओ, पर पढ़ो, एक डिसीजन लेने के बाद मुड़के मत देखो। तो प्रफुल्ल, आपसे बात करके बड़ा मजा आया, और आपने बहुत अच्छे से मेहनत की, वो वर्ड आपके और आपके फेस पे दिख रहे हैं। तो वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट, इसी तरह से आगे बढ़े, और अपने कॉलेज के जूनियर्स, स्कूल में जहां पर भी आपको मौका मिले तो बच्चों को ये जरूर बताएं कि समय रहते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करने के अपने बेनिफिट है। सर, और सर बाकी सारे जूनियर्स को, 2022 एस्पिरेंट्स को मेरा बहुत सारा मतलब बेस्ट ऑफ लक, और ऑल द बेस्ट, सब बहुत अच्छा करेंगे, और ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं होता, बस प्रैक्टिस अच्छी हो, सब कुछ बढ़िया होता है। बिल्कुल सही बात है, थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सर।